विशेविंग फ्रॉम फ्यूचर इज मोर एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है रेमेडीज ऑफ न्यूसेंस एंड डिफरेंट बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास। सो लेट्स स्टार्ट। सो रेमेडीज फॉर न्यूसेंस, न्यूसेंस की क्या क्या रेमेडीज होते हैं चलिए पढ़ते हैं। देर आर थ्री मेन रेमेडीज फॉर द न्यूसेंस। फर्स्ट डैमेजेस, सेकंड इंजेक्शन, थर्ड अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डैमेजेस के बारे में। तो डैमेजेस, इफ डिफेंडेंट क्रिएटेड अ न्यूसेंस द प्लेंटिफ कैन क्लेम डैमेजेस। मतलब कि डिफेंडेंट अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है तो प्लेंटिफ अपने डैमेजेस को क्लेम करने के लिए पूरा पूरा लायबल है, यहाँ पे उसको कंपनसेशन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने नॉइस क्रिएट करी उससे मेरे नेबर को दिक्कत हुई, ठीक है। जो मैंने नॉइस क्रिएट करी उससे मेरा नेबर जो परेशान हो, उसको जो न्यूसेंस क्रिएट हुई है, वो अगर कोर्ट में केस फाइल करता है तो वो उन डैमेजेस को क्लेम बैक कर सकता है। कंपनसेशन लेने के लिए पूरा पूरा लायबल है, उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये होता है हमारे डैमेजेस, सबसे पहला पॉइंट हमारा रेमेडीज के न्यूसेंस भी। तो अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हमारा इंजंक्शन। इंजंक्शन से हमारा मतलब क्या समझ आ रहा है हमें, इट मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ कॉन्टिन्यूअस एक्ट। मतलब कि किसी चीज को रोकना या किसी को प्रोहिबिट करना एक कॉन्टिन्यूअस एक्ट करने से, विच इज अगेंस्ट द प्लेंटिफ, और वो एक्ट जो प्लेंटिफ के अगेंस्ट में हो, इन हिज कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड और द प्रॉपर्टी। मतलब कि वो एक ऐसा एक्ट कर रहा है जो उस एक्ट को कॉन्टिन्यूस रोक रहा है, ठीक है, और वो एक प्लेंटिफ के अगेंस्ट में भी है, और वो जो एक्ट है उससे जो उसका जो एक्ट हो रहा है वो उससे उसका जो प्लेंटिफ का ऑर्डिनरी जो अदर प्रॉपर्टी पे या अपनी प्रॉपर्टी पे जो एंजॉयमेंट होगा लैंड का, वो रोकना, इसे हम बोलेंगे इंजंक्शन। इंजंक्शन हमारी वैसे तीन तरीके की होती है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी इंजंक्शन, सेकंड टेम्पररी इंजंक्शन, और थर्ड परमानेंट इंजंक्शन। ये होते हैं हमारे इंजंक्शन, ठीक है। इसे हम एक केस से भी समझेंगे इंजंक्शन हमारा क्या होता है। एक केस हुआ था उषा बेन नवीन चंद्रा त्रिवेदी वर्सेज भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंडल। इसमें क्या हुआ था कि भाई इसमें ये दिखाया था हमारी जो तीन गॉडेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से जेलस हो रही हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से जेलस हो रही हैं हमारी तीन गॉडेस। तो इसमें ये कहा है कि भाई हमारी कुछ लोगों ने चित्रमंडल बहुत लोगों ने ये कहा कि भैया जो तुमने ये दिखाया वो गलत है, हमारे को ना बहुत हानि पहुंची, तुमने ये चीज दिखाई कि हमारी जो देवी है एक दूसरे से जल रही है, वैसे ये चीज दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी दिखा दी अपनी इस मूवी में। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि भैया जो तुम्हारी जो रिलीजियस हमारे फैक्टर्स होते हैं इसमें इंजेक्शन तुम्हारे को न्यूसेंस का क्रिएट नहीं मिलेगा, न्यूसेंस का फैक्टर का तुम्हें डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ये होते हैं हमारे इंजेक्शन, मतलब क्योंकि इसमें इन्हें न्यूसेंस के डैमेजेस क्यों नहीं मिले, वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो हमारे रिलीजियस हमारी जो फीलिंग्स होती है वो वहां पर लाइवल नहीं हुई न्यूसेंस के अंदर। ये होता है हमारा इंजेक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड अबेटमेंट के बारे में, थर्ड अबेटमेंट के बारे में। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस से हमारा मतलब यहाँ पे ये है, मींस द रिमूवल ऑफ अ न्यूसेंस बाय द पार्टी हु हैज सफर्ड विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग। मतलब कि हम न्यूसेंस खुद ही हटा दे बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के। दिस काइंड ऑफ रेमेडी इज नॉट फेवर्ड बाय लॉ, और ये जो रेमेडी है ये कानून के द्वारा फेवर्ड भी नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरा नेबर है, मेरे नेबर का प्लांट कह लो या मेरे नेबर के तरफ से कोई कुछ भी कह लो, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट ही ले लेते अभी, उसका प्लांट मेरे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है, मेरा एंजॉयमेंट खराब हो रहा है मेरी प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो उस एंजॉयमेंट खराब होने की वजह से जो उसका प्लांट आ रहा है तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी से काट दिया, जो ये चीज मैंने करी है, ये कह रही है मैंने अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, ठीक है, तो न्यूसेंस थी वो मैंने खुद ही खत्म कर दी बिना उसे बोले बिना कुछ करे, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी प्रॉपर्टी पे जो प्लांट आ रहा था उसका अपनी प्रॉपर्टी तक, जहां तक मेरी प्रॉपर्टी तक आ रहा था वहां तक वो काट दिया, ठीक है। सेकंड अगर इसमें बढ़ते हैं, दिस प्रिविलेज मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड यूजुअली रिक्वायर नोटिस टू द डिफेंडेंट एंड हिज फेलियर टू एक्ट। मतलब कि जो ये ऐसा एक्ट होना चाहिए ये एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, और हमें डिफेंडेंट को नोटिस भी करना चाहिए अगर वो एंड फेलियर टू दैट। मतलब कि इसको हम एक चीज से समझते हैं कि भाई जैसे मेरे को उसकी प्रॉपर्टी पे जाके ही, एक जैसे खाली प्लॉट है उसकी प्रॉपर्टी पे जाके ही वो पेड़ काटना है, ठीक है, वो जो उसकी जड़ है वो काटनी है, तो मैं एकदम तो घुस ही जाऊंगा वरना ट्रेसपास माना जाएगा। अगर हम जैसे देखें न्यूसेंस और ट्रेसपास के बीच में हम अगला डिफरेंस पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर हम जैसे देखें ट्रेसपास क्या होता है भाई, एक दूसरे की प्रॉपर्टी में घुस जाना, ठीक है, ये होता है हमारा ट्रेसपास। न्यूसेंस में क्या है, अगर वो बिना उसको नोटिस बोले या बिना उसको कुछ करे चला जाता है तो ये हमारी अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस में आएगी। रीजनेबल फॉर मे बी यूज टू एम्प्लॉय द अबेटमेंट एंड द प्लेंटिफ विल बी लायबल इफ द एक्शन गो बियॉन्ड द रीजनेबल मेजर्स। अगर वो यही चीज अपने रीजनेबल मेजर से ज्यादा कर देता है तो वो लायबल होगा,
ठीक है, यही चीज इसके अंदर लिखी है, इफ द एक्शन गो बियॉन्ड द रीजनेबल मेजर, मतलब जो उसका एक्शन है वो अगर रीजनेबल मेजर से ज्यादा हो जाता है तो वो उस चीज के लिए लायबल होगा। ये होता है हमारा अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई रेमेडीज ऑफ न्यूसेंस। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास। तो इस डिफरेंस को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल ही पढ़ लेते हैं क्या हुआ था अबेटमेंट को समझने के लिए। एग्जांपल है एस एंड बैक का। एस एंड बैक नेबर्स, बैक हैज ए पॉइजनस ट्री ऑन हिज लैंड। बैक का जो बैक के पास एक पॉइजनस ट्री है अपनी एक लैंड पे, एंड विच ओवर टाइम आउटग्रोस एंड रीचेस द लैंड ऑफ हिज, मतलब कि वो कुछ टाइम बाद आउटग्रो हुआ, बड़ा हुआ, वही चीज जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था, और वो लैंड पे पहुंच जाता है एस की। वही नाउ एस हैज एवरी राइट टू कट दैट पार्ट ऑफ द ट्री, मतलब एस के पास पूरा राइट है, वही मैं आपको बता रहा था, अगर उसकी प्रॉपर्टी पे आ रहा होगा तो वो काट देगा। एस हैज कट दैट पार्ट ऑफ द ट्री विच इज अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, क्योंकि उसके एंजॉयमेंट ऑफ लैंड को खत्म कर रहा था। विद ए प्रायर नोटिस टू द बैक, उसने प्रायर नोटिस भी दिया बैक को कि भाई मैं तुम्हारा पेड़ काट रहा हूं, ठीक है। बट इफ एस गोज टू द बैक लैंड, अगर एस बैक की लैंड में जाता है बिना उसे बताए, लैंड विदाउट हिज परमिशन, क्योंकि मैंने वही बोला बिना उसे बताए, एंड चॉप्स द एंटायर ट्री विच देन फॉल्स ऑन द लैंड ऑफ द बैक, देन एस शैल बी रॉन्ग हेयर, हिज एक्शन टेकन वुड बी बियॉन्ड रीजनेबलनेस। वही चीज भाई, एक उसकी लैंड पे जाता है और वो पूरा का पूरा एंटायर पेड़ काट देता है और वो बैक की प्रॉपर्टी पे गिर जाता है काटने के बाद, ठीक है। तो ये जो उसने एक्शन करा, ये अपने रीजनेबल मेजर से ज्यादा एक्शन कर दिया उसने। वो अपनी प्रॉपर्टी तक काट सकता था, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी पे पहली बात तो बिना परमिशन के गया, दूसरी बात उसने उसका पेड़ काट दिया, चाहे वो पॉइजनस था या नहीं था, वो उसकी दूसरे की प्रॉपर्टी पे था, वो बिना परमिशन गई तो गया। उसने ये जो चीज करी वो बियॉन्ड रीजनेबलनेस करी। ये होता है हमारा अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास। तो ट्रेसपास इज द डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद द प्लेंटी पोजेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी थ्रू सम मटेरियल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा ट्रेसपास है वो डायरेक्ट फिजिकल वो होता है, इंटरफेरेंस होती है हमारी प्लेंटिफ के पोजेशन पे। और वहीं अगर हम न्यूसेंस में देखें, न्यूसेंस इज एन इंजरी टू सम राइट ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और वहीं अगर हम न्यूसेंस में देखते हैं तो न्यूसेंस से क्या होता है, जो हमारी दूसरे की प्रॉपर्टी होती है उसके कुछ राइट खराब होते हैं, राइट इंफ्रिंज हो रहे होते हैं, इसमें तो हम बिल्कुल डायरेक्टली की प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं ना, इसमें तो कुछ राइट उसके इंफ्रिंज हो रहे होते हैं। ये होता है ट्रेसपास और न्यूसेंस का पहला डिफरेंस। सेकंड, ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर्सी। एक्शनेबल पर्सी मैंने आपको बताया था, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो एक्शन होता है हमारा, एक्शन विच डू नॉट रिक्वायर एलिगेशंस और प्रूफ, मतलब कि इसके अंदर हमें एलिगेशंस और प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। जैसे मैंने जैसे प्लेंटिफ को जो है हमारे, अगर हम केस फाइल करते हैं तो प्लेंटिफ को प्रूफ लाने की जरूरत पड़ती है। ट्रेसपास में उसमें एक्शनेबल पर्सी है, उसमें उसे प्रूफ लाने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी ने ट्रेसपास करा है तो मतलब वाकई में करा है भाई, तुम्हें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये चीज दिखानी पड़ेगी भाई, ट्रेसपास कहां हुआ है, क्या हुआ है, ये चीज अलग है। और वहीं अगर हम न्यूसेंस देखें, न्यूसेंस इज ओनली द प्रूफ ऑफ द एक्चुअल डैमेज टू द प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। और न्यूसेंस में जो हमारा प्रूफ होना चाहिए डैमेज का, कि भाई तुम्हें कहां कौन सी प्रॉपर्टी पे कहां डैमेज हुआ है, प्लेंटिफ को प्रूफ दिखाना पड़ेगा तुम्हें कैसे उस दूसरे बंदे ने न्यूसेंस क्रिएट करी और तुम्हें कैसे डैमेज हुआ है। ये होता है हमारा दूसरा पॉइंट न्यूसेंस और ट्रेसपास का। सो फॉर एग्जांपल, सिंपली एंटरिंग ऑन अनदर्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी विदाउट द ओनर कंसेंट एंड विदाउट कॉजिंग हिम एनी इंजरी वुड बी अ ट्रेसपास। मतलब कि भाई मैं किसी की प्रॉपर्टी में सीधा घुस जाता हूं बिना उसे इंजरी करे, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, ये हमारा ट्रेसपास माना जाएगा। और वहीं अगर हम न्यूसेंस में देखें, तो इफ देर इज एन इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और एनी अदर इंटरफेरेंस विद हिज एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, देन इट विल अमाउंट टू बी न्यूसेंस। वहीं अगर हम न्यूसेंस में कहते हैं कि मतलब कि भाई मैं किसी को इंजरी कर रहा हूं, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी और किसी को अनदर इंटरफेरेंस इसके एंजॉयमेंट को खराब कर रहा हूं, जो उसका प्रॉपर्टी में एंजॉयमेंट होता है उसको खराब कर रहा हूं, वो हमारा न्यूसेंस माना जाएगा। वहीं अगर हम ट्रेसपास में अगर हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ द इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी इज डायरेक्ट देन द रॉन्ग इज ट्रेसपास। मतलब कि जो हमारी इंटरफेरेंस होगी वो हमारी डायरेक्ट हो, अगर मतलब यूज ऑफ द प्रॉपर्टी हमारी डायरेक्ट हो, मतलब बिल्कुल जैसे किसी घर में एकदम घुस जाना डायरेक्टली, हमारी जो इंटरफेरेंस हो एकदम डायरेक्ट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेसपास बोलेंगे। और वहीं हम न्यूसेंस में देखते, वेयर एज इफ द इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉन्जुगनल, देन इट विल बी अमाउंट टू न्यूसेंस। मतलब कि जो हमारी न्यूसेंस हो वो किसी की एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में दिक्कत कर रहे हो, या उसको कैसे भी पूरी पूरी डायरेक्टली ना हो, मतलब कि जैसे हमारा मतलब हो, जैसे ट्रेसपास में हमारा क्या होता है कि मतलब भाई डायरेक्ट एकदम पूरा तुम डायरेक्ट चले गए, एकदम उसका पूरा जो था वो ट्रेसपास में आ गया। इसमें क्या, जो हमारा न्यूसेंस होगी
वो डायरेक्टली नहीं होगी, इनडायरेक्टली भी हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। उसके उसका एंजॉयमेंट ऑफ राइट खराब होना चाहिए प्रॉपर्टी में, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको पूरा एंजॉयमेंट नहीं मिल पाता, वो हमारी न्यूसेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपास में प्लांटिंग अ ट्री ऑन समवन एल्स लैंड वुड बी अमाउंट टू ट्रेसपास, मतलब कि मैं किसी की प्रॉपर्टी पर जाकर चाहे पेड़ उगाता हूं, मैं काम तो अच्छा कर रहा हूं पेड़ उगाना, आप सबको भी करना चाहिए, लेकिन अगर मैं किसी और की प्रॉपर्टी पे उगाऊंगा तो वो ट्रेसपास ही माना जाएगा। वही अगर हम न्यूसेंस में देखें, वेयर अ पर्सन प्लांट्स अ ट्री ऑन देयर ओन लैंड विच देन आउटग्रोस टू द लैंड ऑफ द अनदर वुड बी अमाउंट टू अ न्यूसेंस। वही चीज जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में पढ़ाया था, भाई मैं अपनी लैंड पे ही चाहे पेड़ उगाता हूं लेकिन वो बाद में कुछ टाइम बाद आउटग्रो हो गए दूसरे की लैंड में चला जाए, तो उससे तो न्यूसेंस हुई, दूसरे के लैंड में गया तो वहां पे न्यूसेंस हो गई, ये होता है हमारा वुड अमाउंट टू बी ए न्यूसेंस, ये होता है हमारा न्यूसेंस। तो ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास। यहाँ पे हमारे न्यूसेंस की क्लासेस खत्म होती है, वी विल बैक अगेन विद आवर न्यू टॉपिक्स, एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।